बच्चों अब आइए हम लोग डिस्टेंस का है सो सबसे बड़ा यूनिट है सो देखते हैं जिसका नाम है तीसरा है ना, वह है सो आपका सी हो जाएगा है ना, पारसेक। पारसेक पारसेक जो है यह दो शब्द से मिलके बना हुआ है, पारालैक्टिक सेकेंड, पारालैक्टिक सेकेंड, ये पारालैक्टिक का यह पार और सेकेंड का यह एसीसी, तो पारसेक बोलते हैं। यह क्या होता है, यह रेडियस होता है, क्या होता है रेडियस होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह रेडियस होता है, ये सेंटर हो गया तो यह रेडियस हो गया आर, और वह रेडियस क्या होगा, वह रेडियस जो यह जो लेंथ ऑफ द अर्थ हो वह एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और वह इसके केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर एक सेकेंड का कोण बनाता हो, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर एक सेकेंड जो कोण बनाता हो उसे हम लोग पैरालैक्टिक सेकेंड कहते हैं और वह क्या होता है रेडियस होता है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, इन विच जिसमें, ठीक, इन विच जिसमें द एंगल मेड एट द सेंटर एंड वन सेकेंड मेड एट द सेंटर बनाया जाता है किस पर, सेंटर पर, बाय एन अर्क ऑफ लेंथ, एक अर्क की लंबाई जिसका लंबाई क्या हो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज कॉल्ड, वह कहलाता है पैरालैक्टिक सेकेंड, उसे क्या कहते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड कहते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर ऐसे सभी को जानते हैं कि एज हम सभी को जानते हैं थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आर यहाँ चला जाएगा, थीटा यहाँ आ जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा एल बाय थीटा, और यहाँ पर आर इक्वल्स टू रेडियस, और रेडियस यहाँ एल इक्वल्स टू वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल्स टू वन सेकेंड, इसको अगर हम लोग वन पारसेक बोलेंगे तो वह क्या बोलेंगे कि यहाँ पर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग पहले भी देखे 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर है, और एक सेकेंड को हम लोगों को बदलना होगा, यहाँ पर एक सेकेंड को हम लोग को बदलना होगा विदाउट यूनिट में, तो हम लोग है सो मिनट को सेकेंड में, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर है सो दिया जाएगा। तो इनको सॉल्व करेंगे तो यह जो आता है वह 3.1 इंटू 10 का पावर 16 या है सो मीटर आएगा। तो यह वन पारसेक का वैल्यू आप नीचे क्लास में भी देखते आ रहे हैं, ऐसा करके आप देखते रहे होंगे। आइए इतना जानने के बाद हम लोग अगर जानना चाहेंगे तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में है सो रिलेशन, जैसे हम लोगों के पास ये क्वेश्चन रह सकता है रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, रिलेशन बिटवीन ए यू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड हो सकता है लाइट ईयर, दूसरा में हो सकता है क्वेश्चन 1-2 रिलेशन बिटवीन ए यू एंड पारसेक, तीसरा में क्वेश्चन हो सकता है, तीसरा में क्वेश्चन हो सकता है रिलेशन बिटवीन क्या लाइट ईयर एंड पारसेक, ये इस प्रकार से हो सकता है, तीन तरह से क्वेश्चन बन सकता है, क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास जो लार्जेस्ट यूनिट है वह ए यू है, एल वाई है, लाइट ईयर और पारसेक, तो इसमें कितना प्रकार से रिलेशन बन सकता है, ये इसके साथ रिलेशन हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है, या ये इसके साथ हो सकता है, यही नहीं हो सकता, ऊपर से घुमाइएगा इसको या इसको तो एक ही बात आएगी, तो इसीलिए तीन क्वेश्चन इसमें बन सकता है, हम एक क्वेश्चन को आप सभी कोई को बता दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका रिलेशन बिटवीन क्या ए यू एंड एल वाई, तो ए यू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एल वाई में बड़ा कौन है, एल वाई है, तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि वी है, हम लोगों के पास है क्या चीज़ है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू
1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर है एंड और लाइट ईयर, वन लाइट ईयर का जो वैल्यू है वह क्या है, वह आपका है सो अभी बताए थे इससे पहले में, तो अगर ध्यान होगी आप लोगों को तो ठीक है, तो यह क्या 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर है, ये आप लोगों को बतलाया गया था। ये दोनों में रिलेशन कैसे निकल सकता है, तो ये बड़ा है ये छोटा है तो ये दोनों को भाग दे सकते हैं, क्योंकि संबंध कब बनता है, संबंध तब बनता है जब दोनों एक साथ रहे, तो दोनों एक साथ कैसे रहेगा, जब इन दोनों को भाग दे सकते हैं, या यहाँ पर एक मीटर का वैल्यू निकाल ले इसको नीचे कर दें और यहाँ पर इतना गुने एक मीटर लिख सकते हैं और फिर एक मीटर का वैल्यू ऊपर वाला को यहाँ पुट कर देंगे तो इधर लाइट ईयर और इधर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो सकता है, ये इस प्रकार से हो सकता है। और नहीं तो इसको इक्वेशन वन मानिए और इसको इक्वेशन टू और डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन वी गेट, तब हम लोग पाते हैं टू को वन से डिवाइड कर रहे हैं, तो टू क्या है, टू का लेफ्ट हैंड साइड वन का लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो टू का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वन लाइट ईयर है और वन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इक्वल्स टू टू का लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन वन का राइट साइड क्या है, ये है तो 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर, तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ से है सो कितना कटेगा, ये चार बचेगा, 10 का पावर 4 बचेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो लाइट ईयर बटे वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.496, इसको सॉल्व करिएगा तो ये यहाँ जाएगा, तो जो भी सॉल्व करके आएगा लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 बाय 1.496 इंटू 10 का पावर 4 वह इंटू क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो यह क्या हो गया लाइट ईयर और इधर है सो राइट साइड में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो इन दोनों के बीच ये क्या हो गया रिलेशन कि यह वैल्यू जो है इतना गुना होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का तो वह किसके बराबर होगा लाइट ईयर के बराबर होगा। तो ये इसी प्रकार से आप इक्वेशन ये क्वेश्चन टू बना लीजिएगा और क्वेश्चन थ्री बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग है सो देखेंगे कि डिस्टेंस का है सो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, चूंकि हम लोग डिस्टेंस का बड़ा से बड़ा बड़ा से बड़ा जितना अभी तक दुनिया में सबसे बड़ा यूनिट हो सकता है वो आपको बता दिए। अब बताएंगे कि डिस्टेंस का सबसे कम वैल्यू तक कहाँ तक मापा जा सकता है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग डिस्टेंस का ही यूनिट का लेकिन इस स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ। थैंक यू।